दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील पटेल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नरेगा क्रिएशंस। जब से मनरेगा का नया बजट आया है तभी से इसे लेकर काफी नई नई बातें सुनने में आ रही हैं। जैसे बजट में कमी को लेकर कई एक्सपर्ट का यह कहना है कि बाद में इसे पिछले वर्षों की तरह रिवाइज किया जाएगा। इस संबंध में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने कई कारणों का जिक्र किया है जिससे मनरेगा बजट बढ़ने की संभावना है। यह उस वीडियो का थंबनेल है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर आप इस वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हैं। फिलहाल जो खबर सबसे ज्यादा चल रही है वह यह है कि मनरेगा का आवंटन अक्टूबर माह में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर लोगों को पर्याप्त काम दिया गया तो यह बजट केवल 6-7 महीने ही चल पाएगा। इसका मतलब यह है कि जब मानसून की विदाई हो रही होगी तभी यह बजट खत्म होगा। वैसे बीते सालों में यह देखा गया है कि जिस वर्ष मानसून सामान्य रहता है तभी मजदूरों को मनरेगा की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। 3 राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिन्हें मनरेगा के बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, इस वर्ष इन तीनों राज्यों में चुनाव भी है, तो मनरेगा में काम की मांग बढ़ सकती है और यदि ऐसे में बजट खत्म होता है तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। आज का यह वीडियो इस खबर पर आधारित है। इस पेपर कटिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर इसे विस्तार से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके लिए किसी मायने में हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार का देखिएगा ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इसे भी दबा दें। और यह वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मनरेगा के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक के ग्रुप से आप अवश्य जुड़ जाएं जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नमस्कार।